नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भारत लाइव। धनहा थाना क्षेत्र के खगवा रुपई में गुरुवार की रात अगवा कर हत्या की गई युवती की शव पहुंचते ही गांव में मचा कोहराम। परिजनों ने शव को गांव के मुख्य सड़क पर रख के किया जाम तथा विरोध प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। साथ ही हत्या में नामजद पांचों आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कराने की किया मांग। बगहा पुलिस जिले के धनहा थाना क्षेत्र के ग्राम खगवा रुमई गाँव में गुरुवार की रात्रि करीब 1 बजे डीलर वीरेंद्र गुप्ता के घर से उनकी बहन संध्या कुमारी को अगवा कर लिया गया था तथा शुक्रवार की सुबह उत्तर प्रदेश के पचरुखिया गांव के सड़क किनारे युवती का शव बरामद किया गया था, जिसको लेकर शुक्रवार को ही मृतक के परिजनों द्वारा धनहा थाना में एक आवेदन देकर घटना में शामिल 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। किंतु जब शनिवार को मृत युवती का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा तो परिजनों ने शव को गांव के मुख्य सड़क पर रख के विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं परिजनों ने घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कराने के साथ साथ फांसी की मांग करते हुए कहा कि इस घटना में पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है तथा सभी आरोपी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। मृतक के परिजन मौके पर पुलिस प्रशासन को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि करीब 9 बजे तक प्रदर्शन स्थल पर पुलिस नहीं पहुंची थी, जिससे परिजनों में तनावपूर्ण स्थिति कायम है। हालांकि इस मामले में बगहा DSP कैलाश प्रसाद ने बताया कि घटना को लेकर पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। घटना में शामिल सभी आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे।